तो गाइस यार बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सुबह से दो बार अपना बैग खुल चुका है और दो बार टाइट कर लिया, तो इसी वजह से टाइम थोड़ा बर्बाद हो रहा है हमारा, क्योंकि गाड़ी तेज़ चल रही है और तेज़ चलने की जो प्रेशर है, विंड प्रेशर से ये पूरा का पूरा बैग खुलता ही जा रहा है अपना बार बार। अयोध्या से जैसे ही निकले तो अयोध्या से निकलने के बाद बारिश ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया और बारिश की वजह से हमको अपना गोप्रो रखना पड़ा। फिर भी हम कंटिन्यू ड्राइव करके फाइनली हम गाजीपुर पहुंचे और वहां थोड़ा सा हमने विश्राम किया। ड्राइव कर करके थक गए यार। अरे यार कसम से इतने कंधे दर्द हो रहे हैं ना मेरा तो कंधे यार। आप लोग तो फिर भी एडजस्ट कर लो एक दूसरे के साथ, कभी आप चला रहे हो कभी वो चला रहा है। हाँ यार अकेले अकेले यार ये मेरे यहाँ पे। अरे भाई ये सबको दर्द हो रहा है, बुरा हाल है। तो भाई लोग देखो यार बहुत सपोर्ट करो यार, आपके सपोर्ट से ये सारा दर्द कम हो जाएगा हमारे आसाम राइड को। भाई साहब एक चीज मैं बताऊं, जो लोग राइड कर रहे हैं ना आसाम के लिए, जो आ चुके हैं, जो ये राइड कर चुके हैं भाई, उसको उन लोगों को सलाम है भाई। बहुत सीरियस, बहुत डेंजर रूट है ये, क्योंकि दिल्ली से गुवाहाटी तक का ना रूट ही जो है ना वो अपने आप ही एक अलग है। जो इतने हाईवे बड़े बड़े हैं, ये सब कुछ है, उसपे राइड करना यार ये अमेजिंग यार। हमारे पुट्ठे कंधे सब कुछ दर्द, सर झन्ना रहा है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम बक्सर की तरफ। मैं अभी ना पता क्या, मैं अभी ड्राइव करते हुए यही सोच रहा था, है ना, सीरियसली मैं कहा यार वो लोग जो आ चुके हैं यहाँ पे, जो अपने राइडर हैं, जो मोटो ब्लॉगर हैं, जो ये उन्होंने कैसे किया होगा यार। हाँ कैसे किया है यार आसाम ट्रिप। देखो जट प्रभजोत ने किया है, UK07 ने किया है, और अपना मेरे वहाँ का जो है काउंटिंग माइल्स मिस्टर अमित सिन्हा यार, फिर उन्होंने किया है। लोगों की हिम्मत है भाई, हिम्मत और अमित सिन्हा की हिम्मत। देखो बंदा अकेला सोलो गया था लद्दाख करके आया अकेला, उससे सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो भाई लोगों आपने उनको इतना सपोर्ट किया तो हम गरीबों को भी सपोर्ट कर देना। हमने भी मन में एक इच्छा जगाई है, हमने भी देखा यार अभी हम यही सोच रहे हैं एक चैलेंज करते हैं, चैलेंज की लाइफ में कोई अचीवमेंट तो हो हमारी। भाई साहब चैलेंज जो हमारा जो है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या, अभी हमने जो डिसाइड किया है कि अयोध्या से हम नॉनस्टॉप चलेंगे गुवाहाटी के लिए। तो ये एक रात ही तो निकालनी है, हमने पहले सोचा था कि यार पटना में स्टे करेंगे। हाँ। अब पटना में स्टे करेंगे तो वही यार टाइम निकलते निकल जाएगा, निकलते वही 6-7 बज जाएंगे। तो इसलिए कोशिश हमारी यही हो रही है कि अब नाइट ड्राइव करेंगे, थोड़ा रुकते रुकते सेफली करेंगे। आप लोग टेंशन मत लेना, नॉनस्टॉप चलेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, सेफली करेंगे सब कुछ। मुझे लग रहा है कि हम कर लेंगे, सीरियसली कर लेंगे, कर लेंगे। तो चले फिर चलते हैं, हैं चलते हैं, करूं चलो चलो डन करते हैं। हाँ तो गाइस अभी मैंने एक होटल देखा था अभी चलते चलते, तो उस होटल में यार खाना वाना खा लेते हैं। मैं आगे निकल गया था तो प्रिंस भाई ने पहले ही देख लिया था वो होटल, तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे जस्ट। और ये है कुछ कलिका मटका फैमिली रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क कर देते हैं अपनी, और यहाँ पे इस जगह पे आज का हम भोजन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे आगे। तो भाई लोग अभी एंट्री ले चुके हैं होटल में, और ये अपने सेटअप पड़े हैं पूरे, हेलमेट वगैरह का पूरा सेटअप कर दिया है, और कल का रेस्टोरेंट है ये। और हमने अभी प्लेन राइस, दाल फ्राई एंड पनीर, कुछ पनीर की सब्जी भी ऑर्डर की है, और रोटी तंदूरी रोटी। तो उसके बाद खा के फटाफट सोचते हैं कि भाई रुकना है या जाना है, फिर देखते हैं यार, है ना। तो गाइस फाइनली अपन ने गाड़ी जो है अपनी सब अंदर पार्क कर दी है, और ये अपने प्रिंस भाई की गाड़ी है। तो गाइस अभी हमारा फोटोशूट हो रहा है, जो होटल के ओनर है बहुत प्रभावित हुए हमसे तो अभी फोटोशूट करेंगे। और खाना भैया एक नंबर था, एक नंबर खाना था, काली का रेस्टोरेंट। तो आज हम यहीं स्टे करेंगे सुबह 8 बजे। तो भाई लोग निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया था बहुत बड़ा, जो कि मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं अभी। तो अभी निकलते निकलते 8 बज चुकी है, हमारा प्लानिंग था 6 बजे का, बट रात को छत पे सोना पड़ा था और छत पे आधी रात को बारिश आ गई थी, तो हम फटाफट नीचे दौड़ के आए थे और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से लेट उठे हैं। तो अभी 8 बज गई है और अभी सामान वामान पैक कर लिया है, तो अभी निकलते हैं और मैं इसका स्कैम का जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ मेरा साथ। ये देखो ऐसे ड्राइव कर रहा है, देखो फुटपाथ के ऊपर से भाई ट्रैक्टर लेके आ गया भाई, दूसरों को मारने का काम कर रहा है। मतलब बहुत ही गंदा रूल है यहाँ पे यार बिहार साइड में।
गाइस फाइनली अपन लोग बिहार के अंदर एंटर ले चुके हैं और यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो सिलीगुड़ी है। तो फटाफट इट्स भरे ट्रैफिक से निकल के हम लोग मेन हाईवे की तरफ चलते हैं और वहीं पे आपको मैं बात करता हूँ, तो वीडियो एंड तक बने रहना गाइस। बिहार में भाई लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, हम लोगों ने हाईवे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो यार अब जल्दी से हाईवे की तरफ निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आधा से ज़्यादा टाइम यहीं बर्बाद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है यार, गाड़ी चल नहीं पा रही यहाँ। तो फाइनली गाइज हम लोग ट्रैफिक छोड़ के हाईवे की तरफ आ चुके हैं और फटाफट आगे निकलते हैं। तो गाइज आपके वासु भैया वेस्ट बंगाल की तरफ एंटर ले चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद सिलीगुड़ी आ जाएगा। तो सिलीगुड़ी आने के बाद गाइस हम ज़्यादा दूर नहीं है, तो वीडियो एंड तक बने रहना। तो गाइज अभी मैं सिलीगुड़ी के रास्ते में खड़ा हूँ और क्या हसीन वादियाँ मेरे को मिल गई हैं। राजस्थान से दूर सुकून की तलाश में आया था और सुकून मेरे को मेरे सामने दिख रहा है। तो अभी प्रॉपर आसाम नहीं पहुँचा हूँ मैं, बस सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो आगे सिलीगुड़ी का रास्ता है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ हसीन वादियाँ दिखी थी, तो मैं सोचा हूँ कि आपको दिखा दूँ थोड़ा। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और सामने एक बकरी जो है वो घास चर रही है भाई। अभी चलते हैं आगे और सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद चेरापूंजी, दाऊकी। मौसम अच्छा रहा तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है राइड पे। और ये अपनी बुलेटियाँ खड़ी है यहाँ पे, बुलेटिया को थोड़ा रेस्ट दिया है हमने भी, वादिया को देखा है। अब बढ़ते हैं सीधे आगे। तो भाई लोग जिस तरह की रोड कंडीशन है, उस तरह रोड कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग तो नहीं पा रहा कि मैं सिलीगुड़ी पहुंच पाऊंगा। और सिलीगुड़ी नहीं पहुंच पाऊंगा तो अभी मैंने लेटेस्ट एक जगह देखी है मेरे मैप में, कुट्टीखरिया नाम से एक जगह है, तो कुट्टीखरिया पे स्टे कर लेंगे, क्योंकि अभी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ट्रक वगैरह चल रहे हैं, इतने खड्डे हैं, ऑफ रोडिंग हो गई है, तो अभी के लिए ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है। तो हम लोग सेफ़ राइड को प्रेफर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कुट्टीखरिया रुकेंगे। प्रिंस भाई का फ़ोन आ चुका था, तो प्रिंस भैया भी आसपास के रुके हुए हैं, तो सीधा सीधा चलते हैं कुट्टीखरिया में। तो ये प्रिंस भाई की बाइक रख दी यहाँ पे और अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। प्रिंस भाई की बाइक में सब कुछ सैडल बैग वगैरह रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे उठा लो। बट हमारी बाइक में चैलेंज रहता है यार, सैडल बैग बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं, तो हमें लगवाए कैसे यार, हम गरीब मोटो ब्लॉगर हैं यार भाई। तो हमारा चैलेंज यही रहता है यार, हमको रोज़ रात को ये निकालना पड़ता है, फिर अगले दिन निकलने के लिए रोज़ बांधना पड़ता है, तो एक घंटा इसमें हमारा वेस्ट होता है यार। तो खैर कोई बात नहीं, अभी फाइनली इस होटल में आ चुके हैं, क्योंकि अभी सिलीगुड़ी जा नहीं पाए, रास्ता बहुत ख़राब है और हम नहीं चाहते कि अच्छा खासा टूर हमारा ख़राब हो जाए। तो अभी चलते हैं अंदर, सामान वामान निकालने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं आपको प्रिंस भाई क्या कर रहे हैं। सोच सकते हो इनकी तो, अभी एक बात बताऊँ, अभी यहाँ से आगे और 50 किलोमीटर वही रास्ता मिलेगा, उसके बाद सही रास्ता है। मॉर्निंग भाई साहब आप बोल रहे हो मॉर्निंग लोगों जल्दी उठा जाता नहीं आपसे, खराटे तेरे आते हो। जो भी है भाई साहब, हाँ निकलना तो है भाई, निकलना है। अब देखो ओगले में सर दे दिया, ठीक है अभी जाना तो है ही है, अभी खाना खा के रेस्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग में जितना पॉसिबल। तो भी ऐसे खाना खाते हैं और एक खाना खाने के बाद कल वाले होटल वाले ने इतना काटा हमारा, इतना वो कर दिया, बोलो इतना यार, मतलब बाहर से इतनी सजावट करी, खाना मतलब नंबर वन था, बाहर से सजावट इतनी थी तो देख के लगता था कि भाई सब कुछ अच्छा है, फिर भी हमने डाउट रहता है ना भाई, ट्रैवलर है तो पूछे भाई लेट बात कहाँ पे है कि हाँ हाँ भैया खाना खाओ ना, बाकी बात में आपको ऐसे में सुलूंगा भाई, कुछ भी नहीं था एसी रूम, कुछ भी नहीं, हमें छत पे सोना पड़ा था और जो रूम था ना उसमें खिड़की तक नहीं थी, अगर बंद करके सो जाए ना सफोकेशन इतनी हो जाएगी, फिर भी हम छत पे सोए, आधी रात को आ गई बारिश। वो छोड़ो, अरे वो छोड़ो, फिर सुबह उठे तो टॉयलेट नहीं है। हाँ सुबह उठे तो टॉयलेट नहीं है भाई, रात को हो रहा भैया सुबह नहा नू के, ये देखो जा रहा ऊपर, मस्त मस्त रूम है भाई, मस्त रूम, इतना झूठ बोला उसने। खाने की मैं तारीफ करता हूँ, खाना नंबर वन था, बट बाकी चीजें यार बहुत झूठ बोला उसने यार। चलो अभी सारा टाइम यहाँ मत वेस्ट करो अब, क्योंकि खाना खाते हैं और सोते हैं आराम से, क्योंकि थर्ड का तुम लोगों ने भी मेरे 14 घंटे की ड्राइव करी है, मेरे साथ ही करी है, चाहे दूर दूर थे, डेढ़ डेढ़ घंटे का फासला था। हाँ मतलब वही है कि आप किसी लोकेशन में एक घंटे पहले पहुंचो तो हाँ, एक घंटे बाद।